बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जिसके मतदान हो चुके हैं और आज जो है मतगणना होने वाली है और कुछ ही वक्त में फैसला हो जाएगा कि बिहार की जनता ने आखिर किसको चुना है। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम पूर्णिया में मौजूद है और मेरे साथ में महागठबंधन और कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु सिन्हा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इंदु सिन्हा जी, पूजा आप कर रही थी तो पूजा करते हो मझधार में फंसी हूँ बेड़ा पार करो माँ, क्यों लगता है कि मझधार में फंसी हैं? सबसे पहली बात है क्या कि मुझे टिकट ही मिला तो माँ के कृपा से ही टिकट मिला, और दूसरी बात है क्या कि आज हमारा काउंटिंग है और माँ का आशीर्वाद लेकर के जाना चाहती हूँ, क्योंकि जनता की आशीर्वाद तो मिल चुकी है। क्योंकि जो उत्साह हमने देखा बूथों पे कि इस बार लोग यहाँ की जनता विकास खोज रही है, क्योंकि 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ पूर्णिया का। ये पूर्णिया की जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ कही जाती है, क्योंकि लगातार 20 साल से ये जो सीट है वो बीजेपी के पास रही है। पिछली बार की अगर बात करें तो विजय कुमार खेमका ने आपको करीबन 33,000 वोटों से पराजय किया था। इस बार आपको क्या लग रहा है कि आपका पगड़ा भारी लगता है? देखिए, इस बार तो कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी घोषणा पत्र में लिखा था एक भी काम उन्होंने नहीं किया, लोगों को सिर्फ ठगा है। इसीलिए जनता मन इस बार मन बना चुकी है और इस बार बदलाव की स्थिति में है जनता। क्योंकि जो जिस तरह से पूर्णिया में जल जमाव, नाले की व्यवस्था नहीं है, मार्केटिंग यार्ड जो करोड़ों का राजस्व यहाँ से जाता है उसमें क्या कहते हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, और ख़ास करके हमारे बस स्टैंड जो मेन पड़ता है उसमें भी कोई सुविधा नहीं है, ख़ास करके ना पीने के पानी है, ना महिलाओं के लिए कोई सुविधा है। जिस तरह से सड़क टाउन में जर्जर की स्थिति है, आप भी आई होंगी तो देखी होंगी कि क्या टाउन का सड़क ऐसा होता है क्या। इसीलिए इस बार जनता मन बना चुकी है कि बदलाव लाएंगे, और कोई गढ़ नहीं, सारा चीज़ सब लोग एक हैं, एक हो करके मुझे मत दिया है। क्योंकि यहाँ इस बार लगता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ने में आप कायम हो पाएंगी, क्योंकि लगातार 20 साल से अगर कोई सीट बीजेपी के पास है तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी डर और शंका भी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी के भी लोग चाह रहे थे कि पूर्णिया का विकास हो, और जिसमें कि हमारे विजय खेमका जी विधायक जो हैं वो इस पे खड़े नहीं उतरे, तो इसीलिए सब लोग त्रस्त हैं उनसे, इसीलिए बदलाव की स्थिति में पूर्णिया के लोग हैं। तो देखिए, कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु सिन्हा जी, पूजा अर्चना उनकी हो चुकी है और अब काउंटिंग सेंटर पे वो जाएंगी। आपको बताएं कि अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त हैं। आप देखते हैं कि बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली पूर्णिया सीट, जहां पर 20 साल से बीजेपी का राज है, वहां पर आज जो तस्वीर है वो बदल पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ बिहार।